नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नारी में और आपके साथ मैं हूँ श्वेता एस त्रिपाठी। पिचकारी की धार से रंग बिरंगे रंगों को उड़ाकर होली तो आपने बहुत ही बार खेली होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी खास तरह की पिचकारी। जी हाँ, इस पिचकारी से रंग नहीं निकलते बल्कि इससे मिलेगी आपको स्लिम ट्रिम बॉडी। सुनकर थोड़ा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, तो परेशान मत होइए और अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का दिन है बेहद खास। तो शो में सबसे पहले बात करते हैं आपकी फिटनेस की। स्लिम ट्रिम दिखने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, और अगर आप भी यही चाहते हैं तो ऐसे में हमारी फिटनेस एक्सपर्ट किरण साहनी आज आपको बताएंगी कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेस जिन्हें आप करके अपने को रख सकते हैं चुस्त दुरुस्त और साथ में अपना वजन भी कम कर सकते हैं। तो क्या है ये स्पेशल टिप्स, क्या है ये खास एक्सरसाइजेस, चलिए जानते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं किरण साहनी। होली के त्यौहार पे ये कुछ मेरे पास है पिचकारी जैसा, बट एक्चुअली ये पिचकारी नहीं है। दिस इज कॉल्ड टी कोर, और टी कोर यूज होता है हमारे एब्स के लिए। ये इसके अंदर क्या है देखते हैं, रंग भरा है या कुछ और भरा है। ये कुछ ट्यूबिंग्स हैं जिनकी टेंशन आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये एक जब मैं डालूंगी तो इसकी टेंशन 25 पाउंड के करीब हो जाएगी, दूसरा डालने से 50 पाउंड हो जाएगा, और तीसरा डालने से 75 पाउंड की टेंशन हमको मिलेगी। इतनी टेंशन का ये पिचकारी दिखने जैसा टी कोर है, विच वर्क्स ऑन योर एब्स। कहते हैं सिर्फ 6 मिनट अगर आप इसे वर्कआउट करेंगे तो आपको फ्लैट एब्स मिल सकते हैं। इसका बेस मैंने अपने नीज पे रखा और मैं बैठी हुई हूँ एक बेंच के ऊपर। अब इसको आपको नीचे की ओर दबाना है अपने एब्स, अपने कोर को यूज़ करते हुए, शोल्डर्स एंड आर्म्स को पुल करते हुए नहीं। सो दिस इज़ द मूवमेंट। आप मेरे एब्स की मूवमेंट देख सकते हैं जो नीचे और ऊपर उसी तरह हो रहे हैं जैसे जब हम कोर एब्डोमिनल क्रंचेस करते हैं। 20 या 30 दफा आप इसको कर सकते हैं और ये एक फ्लैट एब क्रंचेस काम कर रहे हैं। ध्यान रहे कुछ इस तरीके से नहीं करें, यहाँ पे मेरे आर्म्स काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ भी एब्स से मूवमेंट नहीं है, सिर्फ मेरे आर्म्स एंड शोल्डर से है। एब्स के साथ जुड़ा है हमारे ऑब्लिक्स साइड्स, तो इनको शेप करने के लिए अब इसका बेस मैंने फ्लैट वाला बेस साइड पे रखा, इसको अपने साइड पे रखा और वही मूवमेंट मैं साइड से दूंगी। यहाँ से दोनों साइड से हम इसको काम करेंगे और दूसरी तरफ। फ्लैट एब्स का बहुत लोगों को बहुत शौक होता है। आमतौर पे मेरे को यही क्वेरी वुमन एंड मेन की आती है, मेन बिकॉज ऑफ देयर बियर बेलीज एंड वुमन बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अदर थिंग्स, कि किस तरीके से हम एकदम मजबूत फ्लैट वेल टोन्ड एब्स पा सकें। एंड लास्ट की एक्सरसाइज जो कि थोड़ी सी चैलेंजिंग है, उसके लिए आप साइड पे होंगे। इसको अब आप जो आपने सीधा रखा हुआ था वापस चेंज करके अपने नीज में रखेंगे एंड यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। अब क्या है, लोअर एब्स एंड अपर एब्स दोनों काम करेंगे, लेग्स भी उठानी है और इसको प्रेस भी करेंगे। सो कुछ इस तरीके से। कुछ वॉच पॉइंट्स हैं इसके,
आपने देखा शुरू से मैंने इसको कुछ इस तरीके से पकड़ा है, ऐसे नहीं ऐसे, उल्टा हाथ अपनी ओर और उससे आप प्रेस करेंगे। आप इसको ना तो ऐसे पकड़ेंगे और ना ही ऊपर से दबा के ऐसे पकड़ेंगे, अपनी एल्बो से कुछ भी नहीं, ये बाइसेप कर्ल नहीं है, दिस इज़ फॉर द एब्स, फॉर योर कोर। तो अपने हाथ को अपनी ओर मोड़ के एल्बोस को 90 डिग्री स्ट्रेट रखकर हम इसको नीचे बेंड करेंगे। दिस वॉज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज, साइड पे हाथ इसी तरीके से ऊपर नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर हाथ अपनी ओर एंड साइड पे। दूसरी साइड पे भी वैसे ही, कमर के दोनों ओर हम करेंगे 20 से 30 दफ़ा करेंगे, स्लोली करेंगे, अपनी टेंशन अपने मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। मैंने आपको दिखाया कैसे खोल के इसको आप 25 पाउंड, 50 पाउंड या 75 पाउंड की टेंशन दे सकते हैं। एंड लास्ट मैंने आपको दिखाया इसको नीचे एंड लोअर एब्स, अपर एब्स, लोअर एब्स एंड द ओब्लिक्स। तो ये थी आज की कुछ एक्सरसाइजेस यूजिंग द टी कोर, टी कोर जो कि दिखता है होली पे हमारी पिचकारी जैसा, फॉर योर कोर एब्डोमिनल मसल्स। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखी कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस और हमारे इस शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ खास है।